वेज कोफ्ते बनाने के लिए जो पकोड़े तैयार करते हैं हमने किस तरह से प्रॉपर तरीके से बनाए हैं आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वेज कोफ्ते बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बर्तन के अंदर 4 कप करीबन मैदा लिया है। बराबर मात्रा में हमें आरा रोल लेना है जिसको हम कॉर्नफ्लोर भी बोलते हैं। तो 4 कप करीबन हम कॉर्नफ्लोर को भी ऐड कर देंगे इस मैदे के साथ। फिर हमें मैदा और कॉर्नफ्लोर के अंदर हमें 2 टीस्पून अजीनोमोटो दरदरा पिसा हुआ को ऐड करेंगे। फिर हमें स्वाद अनुसार नमक को ऐड करना है। 2 टेबल स्पून करीबन शक्कर को ऐड करेंगे। फिर हमें ऐड करना है इसमें बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर कोथे को फुलाने के काम में आएगा, तो हमें 1 टीस्पून करीबन बेकिंग पाउडर को ऐड कर देना है। ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप बनाएं तो बेकिंग पाउडर ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आपके जो कोथे हैं प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएंगे। फिर हमें हाथों की सहायता से इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर पानी को डालकर एक घोल तैयार करना है। यहाँ पर हम एकदम गाढ़ा घोल तैयार करेंगे लिक्विड। तो आप जब भी बनाएं तो इस बात का ध्यान रखिए कि घोल ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे कोथे सही से नहीं निकलेंगे और यहाँ पर हमें ज़्यादा फेंटना भी नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि घोल हमारा जो है वो तैयार है। ये देखिए कितना गाढ़ा घोल बनाया है हमने यहाँ पर। जितने हम कोथे निकालना चाहते हैं उतना हमने यहाँ पर वेजिटेबल पहले से ही काट के रख लिया था। तो वेजिटेबल के अंदर हमने 2 गाजर को इस प्रकार से कटिंग कर लिया है, त्रिकोण कटिंग, और पत्ता गोभी को भी इस तरह से त्रिकोण कटिंग काट लेंगे। साथ ही साथ प्याज को भी काटना है इस तरह से, शिमला मिर्च को भी काटेंगे। इन सभी वेजिटेबल को हमने पहले से कटिंग करके रखा हुआ है। इन चारों वेजिटेबल को एक बर्तन में निकाल लेंगे और हाथों की सहायता से मिक्स कर लेंगे। अब हमें थोड़ा थोड़ा वेजिटेबल को ऐड करके और फ्राई करेंगे तेल के अंदर। तो यहाँ पर हमारी कढ़ाई के अंदर तेल हमने ऐड कर दिया है और तेल जो है वो गर्म हो चुका है। जब भी आप वेज कोथे बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और फिर हमें इस तरह से वेजिटेबल को घोल के अंदर मिलाकर और तेल के अंदर छोड़ना है। एक एक पीस को इस तरह से निकालेंगे हम यहाँ पर। तो फटाफट से हम सभी वेजिटेबल के इस तरह से पकोड़े निकाल लेंगे। रेस्टोरेंट जैसे वेज कोथे बनाने के लिए आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपके प्रॉपर तरीके से वेज कोथे निकल पाएंगे। और आप हमारे चैनल की पुरानी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब वाले बटन के पास में क्लिक करेगा तो सीधा आप हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पर आप बहुत सारी वीडियोस को देख सकते हैं, काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बनाकर अपलोड की हुई है। या फिर आप YouTube के ऐप पे सर्च बार में #recipedesimasala लिख सकते हैं, जिससे कि हमारे चैनल की बाकी जितने भी वीडियो है वो आ जाएगी, तो उनको आप देख सकते हैं। और हाफ डाउन करके हम तेल से अलग निकालते रहेंगे। तो इसी तरह से हम वेज कोते को बनाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, यानी कि हम वेज कोते को पहले से बनाकर तैयार रखते हैं। और जब भी हमारे पास कोई ऑर्डर आता है तो हम फटाफट से तेल के अंदर फ्राई करके और वेज कोथे रेडी कर देते हैं। 7 से 8 प्लेट वेज कोथे हमने तैयार कर दिए हैं। इस वीडियो को देखकर रेस्टोरेंट जैसे वेज कोथे अपने घर पर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो कौन सी रेसिपी की देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय जवान।